बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1996 के जातीय साम्राज्यिक दंगों के कारण विस्थापित हुए लोगों को अब अपने छोड़े गए क्षेत्रों को लौटने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय के असम सरकार और बोडो समूह ने असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला में सत्ता साझाकरण समझौतों को फिर से निर्मित करने और इसका नाम बदलने के संदर्भ में एक त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बोडो के बारे में, जनसंख्या असम में अधिसूचित जनसंख्या में बोडो समुदाय का बड़ा समुदाय है। यह असम की आबादी का लगभग 5-7% है। असम में कोकोराझारा, बक्सा, उदलगिरी और चिरांग जिले के प्रादेशिक जिलों क्षेत्रों में का गठन करता है और यह कई जातीय समुदाय का निवास स्थान है। विवाद, अलग राज्यों की मांग। बोडो राज्य की पहली असंगठित मांग वर्ष 1967 की प्लान ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम नामक एक राजनीतिक दल का द्वारा की गई थी। असम समझौता वर्ष 1985 में जब असम आंदोलन की परिणति असम समझौते में हुई तो कई बोडो लोग ने इस अनिवार्य रूप से असामान्य भाषी समुदाय के हितों पर ध्यान केंद्रित करके रूप में देखा। इसके परिणाम स्वरूप ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASSU और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नेतृत्व में कई बोडो समुदाय को जाति अलग क्षेत्र की मांग करते हुए इसके बाद हुए आंदोलन में लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विस्थापन का कारण वर्ष 1993 में और 2014 के बीच 970 से अधिक बांग्ला भाषी मुस्लिम आदिवासी और बोडो चरमपंथी लोग मुख्य रूप से वर्तमान में भंग हो चुके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड द्वारा अंधाधुंध गोली मार के मारण हुई झड़पों में मारे गए। हिंसा से विस्थापित हुए 8.5 लाख लोग से अधिक जर्जर राहत शिविरों में रह गए, जबकि अन्य वर्तमान BTR से अलग के क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए। बोडो संस्थल संघर्ष में 250 लोग से अधिक विस्थापन हो गए थे। बोडो समझौता पहला बोडो समझौता वर्षों के हिंसक के संघर्ष के बाद 1993 में ABSU के साथ पहले बोडो समझौते पर हस्ताक्षर कर गए थे, जिससे सामाजिक राजनीतिक और शक्तियों के साथ एक बड़ा बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। दूसरा बोडो समझौता, इसके तहत असम राज्य में बोडो क्षेत्र के लिए स्थायी और स्वशाही निकाय बनाने पर सहमति बनी। इनके अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को 2003 के में कुछ और वित्तीय तथा अन्य शक्तियों के साथ बनाया गया था। तीसरा बोडो समझौता, इसके समझौते 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने BTAD का नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कर दिया था। यह बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC की 6ठी अनुसूची के तहत अधिक विधायक कार्यकारी और प्रशासनीय स्वायत्ता एवं राज्य के बदले BTC क्षेत्र के विस्तार का वाद करता है। यह BTAD के क्षेत्र में परिवर्तन और BTAD के बाहर बोडो के लिए प्रावधान प्रदान करता है। BTR में वे क्षेत्र शामिल है जो बोडो समुद्र भूगोल में वर्तमान में BTAD की बाहर है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी BTC यह भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तरी तट पर चारों जिलों कोकोराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगीरपुर से बना हुआ है। 2003 के समझौते के तहत गठित BTC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिला यानी BTAD कहा जाता है। BTC की 6ठी अनुसूची के तहत, हालांकि BTC 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है, क्योंकि इसमें 46 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 40 निर्वासित हो सकते हैं। इन 46 में से 35 अनुसूचित जाति और गैर आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, 5 अनारक्षित है तथा बाकी 6 BTAD के नाम पर प्रतिनिधित्व वाले समुदाय को राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। स्वायत्त जिले और क्षेत्रीय परिषद ADC की 6ठी अनुसार के स्वायत्त क्षेत्र में संगठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान करता है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर में 10 क्षेत्र है जो स्वायत्त जिला के रूप में पंजीकृत है।
3 असम, मेघालय और मिजोरम में, 1 त्रिपुरा में। इन क्षेत्रों को जिला परिषद जिले के नाम और क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र का नाम के रूप में नामित किया गया है। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते, जिनमें से 4 राज्यपाल और बाकी चुनाव के माध्यम से मनोनीत किए होते हैं। ये सभी 5 साल के कार्य के लिए सत्ता में बने रहते हैं।